मैंने ये स्टार्ट लिया तो लोगों का रश बढ़ गया और मेरा शौक, इस तरह मेरा शौक भी बढ़ गया। तो चलते चलते मैंने इसके साथ और एटम भी शामिल कर लिए, लेकिन जब लोगों ने रिस्पांस ज़्यादा दिया तो मेरा शौक इतना बढ़ा कि मैंने इसके साथ और आइटम भी शामिल कर दिए हैं। और जो पुराने वाले, लेकिन मेरा जहन में सारा जो नक्शा बना हुआ था वो पुराने कानों का और पुराने बर्तनों का था। ये जो दोपहर को इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि मैं किसी के साथ बात भी नहीं कर सकता, और ये बर्तन जो लोग मतलब ये रास्ते पे जाते हैं तो वो बर्तन के लिए मुझसे पूछते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, क्योंकि मेरी दुकान का ये पता नहीं चलता कि ये होटल है। ये होटल बाहर से होटल नहीं लगता। जब ये बर्तनों का पूछते हैं तो मैं फिर वजाहत करके बर्तनों का भी बता देता हूँ और कानों का भी बता देता हूँ। जब वो बैठते हैं और खाना खा लेते हैं तो वो हद से ज़्यादा वो कहते हैं कि यार इससे पहले हमने इस तरह का खाना नहीं खाया। ये बिल्कुल नया आइडिया है, मतलब इससे पहले किसी ने ये नहीं किया है। जो मेरे जहन में आ रहा था कि मैं कुछ करूं इस तरह का जो डिफरेंट हो, तो मैंने शुरू किया। और साथ साथ जब लोग लोग भी आते हैं और पुराने ज़माने के जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो आते हैं, वो भी मशवरा देते हैं कि यार इस तरह करो, इस तरह करो, इसके साथ ये करो, तो मैं उसकी मशवरे पे आ जाता हूँ। सफाई भी मुझे इंतहाई पसंद आई, स्टाफ का रवैया भी बहुत पसंद आया, और यहाँ खाना खाने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जो हमारे सकाफत के लोग, जो हमारे पश्तों के जो सकाफत है, यानी ये इस तरह के बर्तन में खाना खाना, तो ये वो भी मुझे याद दिला दिया, मुझे बहुत पसंद आया, मैं बहुत मुतमईन हूँ, इंतहाई टेस्टी। एक तो ये है कि इसमें ये जो सालन वगैरह होती है वो गर्म रहती है, और दूसरा ये कि ये हमारा सकाफत है, कल्चर है, तो हम इसलिए, ये हम पठान हैं, हम यहाँ इसलिए आते हैं कि अपना सकाफत को ज़िंदा करें।